इंदौर में पिछले दिनों पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर MIG लसूड़िया विजयनगर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें तकरीबन 20 युवतियां और कई युवकों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी सागर जैन उर्फ सैंडो से की गई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सागर जैन सेक्स रैकेट के साथ साथ प्रतिबंधित दवा MD का भी कारोबार करता था। पुलिस इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की योजना बना रही है। दीपक सिंह और अभिजीत सिंह के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। मुख्य सरगना को पकड़ा गया था, उसे रिमांड पर लिया गया है। सर, अभी तक पूछताछ में क्या क्या सामने आया सर, और क्या आगे भी गिरोह में अन्य सदस्यों के अन्य आरोपियों के पकड़े जाने की है सर संभावना? जैसा आपको मालूम है, थाना विजयनगर MIG और लसूड़िया में इस संबंध में पुलिस ने कई प्रकरण दर्ज किए हैं और इन्हीं प्रकरणों में कई सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन प्रकरणों में लगभग 30 लोगों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और इसमें 22 युवतियां जिनको देह व्यापार के गंदे धंधे में धकेल दिया गया था, इनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है। सागर जैन भी इसी गैंग का एक हिस्सा था, जो देह व्यापार के लिए युवतियों को बाहर से बुलाता था और इसके साथ ही ये नशे के भी काम करते थे, MD और अन्य दवाएं जिसको कि लोग अपने यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग करते रहे हैं। तो इसमें भी पुलिस ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सागर जैन से पूछताछ करनी थी हमको। देह व्यापार के संबंध में तो पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है, जो पूर्व से जितने रैकेट चल रहे थे सारी रैकेट्स को पर्दाफाश किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहाँ तक नशीले पदार्थों के संबंध में है, इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली है सागर से, इसमें भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।